السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. حمد و ثنا کبریائی بڑائی اختائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے, فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین, امام الانبیاء والمرسلین, امام المجاہدین والمتقین, حبیب رب العالمین, امام الحرمین, امام القبلتین, امام الثقلین, امام الشیخین, امام الحسن والحسین, امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ, کل کائنات دے سردار, سید کائنات,
शहद नालों ज़्यादा मीठे और गुलाब दे फुल नालों ज़्यादा खुशबूदार पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल अहले बैत सहाबे रसूल ताबीन इवाम औलियाए किराम आइम्मा दीन मुहद्दिसीन बुजुर्गान दीन सलफ सालेहीन फुकहाए दीन उलमाए दीन मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह तबारक व तआला अजमाईन। अहबाब जी वकार अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल तुसी बड़ी कसरत और बड़ी मुहब्बत दे नाल तशरीफ ले आए हो। मैं तुहाडे वास्ते दुआ करना अल्लाह तबारक व तआला तुहानू सेहत और आफियत दी बादशाहत अता फरमाए। चलो एक होर दुआ करना, वैसे बुखल भी नहीं करना चाहिए और इंशाल्लाह एदा ना रिया भी नहीं। अज रात मैं अल्लाह की तौफीक ना पाकीज़ा सफ़र ते जा रहा, मैं अल्लाह को दुआ करना अल्लाह तुहानू भी बार बार बैतुल्ला दे उमरे नसीब फरमाए, अल्लाह तुहानू बैतुल्ला दे तवाफ नसीब फरमाए। तुहाडे खानदाना चो जितने फौत हो गए ने अल्लाह पाक जन्नत आला मुकाम अता फरमाए। असल जिथे बहुत ज़्यादा अल्लाह दे मोहद बंदे जमा हो जाते ने ना उत्थे कबूलीयत ही कबूलीयत। मेरा बस चले तो मैं सारे विच दुआई करदा रहा। तहज्जुद गुजार चेहरे बड़े नेक साले बच्चे दीन ना प्यार करने वाले, और फिर माशाल्लाह देखो ता हद्दे निगाह तुसी बड़ी दिल जमी नाल बैठे हो। मेरा ईमान है अल्लाह इहो जिहियां दुआवां नहीं रद्द करदा। अल्लाह चंगे हाँ मंदे हाँ जिहो जिहे हाँ तेरे बंदे हाँ अल्लाह अपनी रहमत ना माफ कर। कई मर्दों खवातीन ने मैनू मैसेज दुआ लई आख्या है अल्लाह जिन्हें जिस अंदाज ना जो भी किया है तू बेहतर जानना, अल्लाह उदे मन की मुराद पूरी कर दे। और ये दुआ तुहानू पता है अलहमदुल्ला तवातर नाल करते रहीदा है। अल्लाह ताला सानू सारी जिंदगी किसी बंदे का मोहताज ना करे। ईमान ते अल्लाह सादत वाला खात्मा करके सानू बगैर हिसाब दे अल्लाह अपनी जन्नत दा दाखला नसीब फरमा दे। हज़रात जी वकार 2023 दा आखिरी महीना शुरू हो गया। इस तरह चलदियाँ चलदियाँ पता नहीं लगना जिंदगी दा भी आखिरी महीना शुरू हो जाना। बस दुआ करया करो अल्लाह पाक खात्मा ईमान ते कर दे। हज़रात जी वकार जिस बंदे नू अल्लाह पाक मुतमयिज़ बनाए ना, माना अलमुतमयिज़ मुतमयिज़ दा मन है वे कि जिन्हों अल्लाह पाक कोई चार टके वध दे दे, कोई ओदा उच्चा दे दे, वही तवज्जो मेरे वाल, फिर पता नहीं मौका मिलना है नहीं मिलना, जिंदगी वफा करनी है नहीं करनी, जरा तवज्जो ते बड़ी मुहब्बत। जिन्हों अल्लाह पाक ज़्यादा पैसे दे दे, उच्चा ओदा दे दे, अल्लाह पाक शोहरत दे दे ना, 90% नहीं, कान खोलो, 99% अंदेशा ते खदशा होंदा है कि इन्हें ना माल दे भूत अंदर शिकार हो के उदे दे नशे अंदर मस्त हो के शोहरत दे नशे च मस्त हो के किते हुण खाई च ना जा डिगे, किते हुण खाई च ना जा डिगे, कित हूँ खाई च ना जा डिगे। यानी ओदी बर्बादी तबाही दे चांसेस 99% वध जांदे ने जिस बंदे नू को अल्लाह ताला खास खूबी अता फरमांदा है। लिहाजा जिद कोल इलम ज्यादा है या माशाला अमल ज्यादा है या पैसा ज्यादा है या ओदा उच्चा है उन्हों बंदा ही बन के रहना चाहिए। वेखो ना सियासतदाना ने जिहड़ी अत चुकी है, आ जज जिहड़े जुलम दे फैसले करते ने रिश्वतां लैके, और बाज पुलिस अफसरान सारियां दी मैं नहीं गल करदा, बड़े बड़े अफसर माशाला नेकोकार ने साडे दोस्त ने भाई ने, लेकिन बाज अफसरान ओदे दे नशे अंदर वेख लो सुबह भी रिश्वत शाम भी रिश्वत ते मिल के बोलो रात भी, ते दसो खाई च डिगे ने कि नहीं, ओदे ने बेड़ा गर्क हाजी साहब कीता कि नहीं। पैसे दे नशे च मैल वेख्या अल्लाह जानदा भरावां नूं भी दुदकारदा ते माड़ियां भैणां नूं भी दुदकारदा। अल्लाह अकबर ते मां बाप नूं भी
ਸਾ ਸਕਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ ਬਾਜ਼ ਮਿੰਬਰੋ ਮਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਿਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਿਮਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਦੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੌਕ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਸਨ ਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਭੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਸ਼ੋਭੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰਿਜਾਲ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਆ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਸ਼ੋਭੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਦਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਹੈ ਬਈ ਪੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਸਿਹਾਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਗਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਪਾਲੇਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਪਰ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਜਾਹਦ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਜਾਹਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਕੜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਭਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਅਲਾਹ ਸਲਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਸਨ ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਫਰਮਾਏ ਹਾਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਸਨ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਮਾ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਹਾਬੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਈ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਉਣਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਡੋ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੀਆ ਦਾਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰੋ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਫਾਲਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਲੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
सानू ईमान का नशा नहीं मिलता, किबले उल्ट हो गए ने, सोचा उल्ट हो गई ने। अगर कोई बंदा तुहानू अपने पेशे या रुतबे चो कोई थले भी मिले, उन्हें वेख के ना एक ते तुहाडे दिल च जज्बा पैदा होना चाहिए, जज्बाए शुक्र। मिलके बोलो, हाँ जज्बा है, यह बोलना जायज है। मैं तुहानू सबक के तौर पर खुतबे च भी बुला सकना, बस तवज्जो मेरे वल, आप तुसी जिक्र भी नहीं कर सकते। शुक्र का जज्बा कि या अल्लाह है ये भी तेरा बंदा है, तो है मैं भी तेरा, तेरी मेहरबानी है मालका, तू तो अपनी नेमतों की रेल पहल की है, फजलो करम फरमाया। अल्लाह पाक मैनू गुमंड की लानत तो बचा के अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदियां च अल्लाह अपना नाम शामिल कराने की तौफीक अता फरमा दे। जे ते जज्बा शुक्र पैदा हो गया ना, सलाम अलैक, सही सलाम है फिर तेनू, फिर तेरे इलम नू भी सलाम है, तेरे अहदे नू भी, बोलिया जिना तेरे पैसे नू भी। जे जज्बा शुक्र पैदा हो गया तो दूसरा जज्बा एहसास। पता नहीं यार इन्हें अपने घर किदन का मटन खाधा है, पता नहीं यार इहदे कोल दवाई जोगे पैसे हैगे भी ने के, पता नहीं यार इन्हें सर्दियों के कपड़े लै भी ने के। यह बड़ी वड्डी गल जे, तहज्जुदां दे बराबर अमल जे। चल यार जे दे नहीं सकदा ते एहसास ही पैदा कर। तो मेरे प्यारे भाईओ, जेड़े मातहत ने, जेड़े ड्राइवर ने, जेड़े मुलाजम ने, जेड़े तुहाड़ियां हट्टियां ते कम करदे ने, इन्हां दे मामले दे अंदर बड़े रहीम बनो, बड़े शफीक बनो, बड़े मेहरबान बनो। वैसे जेड़े ड्राइवर ने ना, ड्राइवर मुलाजम नौकर और घरां च कम काज करन वाले, फैक्ट्रियां च अगे पिछे मजदूर, इन्हां दीआं दो किस्मां वी ने। तवज्जो, कई ते माशाला बड़े नेक हुंदे ने, सोलाहा सालहीन हुंदे ने, ते जिहड़े सालहीन होवे ना, जिहड़ा ड्राइवर, जिहड़ा मुलाजम, जिहड़ा मजदूर नमाजां पढ़दा है, अदब वाला है, हया वाला है, उहदी ते ढेर सारी खिदमत करिया करो ना। बिल्कुल उहनूं अपने भरा दा दर्जा दिओ कि जिहड़ा तुहाडा वी हक देंदा है ते अल्लाह दा हक वी देंदा है। वह एक वाकया तुम सुनते नहीं रेंदे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक दफा सहरा का सफर पे करते सन, तो एक चरवाहा बकरियां पे चारदा सी, तो उन्होंने पूछा भई आ जा साढ़े ना बह के खाना खा ला दोपहर का, धुप बड़ी चढ़ी सी। तो वह कहन लगा, हज़रत मैं खाना नहीं खा सकता, इन्नी सुम तो लीला, मैं रब न राजी करने वास्ते रोज़ा रखे। हज़रत फरमान लगे, इन्नी गर्मी सहराज बकरियां पे चारद, तो आंदा मैं रोज़ा रखे। आंदने का थोड़ा जहा इम्तिहान ना लवीए, कहन लगे इंज कर, एक बकरी दे छड़ ते पैसे पुसे साढ़े को लै, गोश्त भी खवावे। तो उन्हें कहा जी मालक नू की कहांगा, वह मालक नू कहीं बस भेड़ी आया सी ते बकरी अगे पिछे हो गई। उन्हें कहा मालक नू ते मुतमैन कर लाँगा, आई नल्ला रब नहीं मैनू वेंदा पिया। लो जी, हज़रत वह पता लिया, एड्रैस लिया, जिहदियां बकरियां चारदा सी उहदे मालक कोल गया, जाके सारियां बकरियां खरीद के गुलाम नू आजाद कर दिता, ते उन्हूं सारियां बकरियां दा मालक बना दिता। आ फैसलाबाद दे ताजरो, और तुसीं वी जिहड़ा रब दे हक दिंदा, नमाज़ां पढ़दा, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, वह मोटरसाइकिल लै दिया करो यार, कोई गड्डी लै दिया करो यार, कभी कोई ढाई महल का प्लाट ही लै दिया करो, अरबां खरबां कित्थे सुटने जे, करोड़ां कित्थे सुटने जे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर ने एक दफ़ा एक काला जिहा बंदा वेख्या, मजदूर जिहा एक दीवार दे नाल बैठा, तो रोटी पिया खांदा सुकी, तो कोल उहदे इक कुत्ता भी है, तो वह कुत्ता भी वेखी जांदा उहदे वल्लों की करदे ने, एक लुकमा आप खांदे ने ते एक लुकमा कुत्ते दे अगे सुट दिंदे ने, कुत्ता खा लैंदा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर फरमाते ने कि मैं मंदिर वेख के खुलासा, मैं उन्हूं आख्या बई ये की पिया करना है, उन्हें अगों जवाब दिता, हज़रत भावें जानवर लेकिन है तो जानदार है ना, मैं शर्म आती है कि कोई जानदार मैं वेंदा हो तो मैं कल्ला ही खाई जावा। कल्या मटन खाई जाना कोई कमाल नहीं, कल्या वन सवन्ना खाई जाना कोई कमाल नहीं, वह यतीमा के घर च भी सोना कलो, और मजदूर मुलाजमान का भी यार ख्याल करो, जेडे रब वाले सालहीन ने। खैर वो बड़े मुतासर होए, वाकया बड़ा लम्मा है, तो वाकया भी इंशाला सही है।
खैर उन्होंने पूछा कि यदि जायदाद उन्होंने दसिया जी मुसअब बिन जुबैर दी है। अब्दुल्ला बिन जाफर फिर उथे गए तो जाके फिर वो जगह खरीदी जायदाद खरीदी गुलाम नू आजाद करा के उन्होंने सारी दी सारी जायदाद का मालक बना दिता। तो जे कोई मुलाजम ताडा मजदूर ताडा ड्राइवर ताडा कोई मतलब है कि फसक है फाजर है बेनमाज आ बेदीन तो फिर भी कोशिश करो उसकी हकारत ना करो उन्हें करीब करने की कोशिश करो। यार मज़ा तो ना आया एक मुशरक बंदा बिदती बंदा दो ढाई साल मेरे ना गड्डी च भी रवे मेरी दुकान च भी रवे तो उन्हें धोई दी समझ ना आवे। मेरे प्यारे भाइयो अखलाक दे नाल जेड़े बदअमल ने इन्हां नूं भी करीब करो। वैसे मैं एक जांदा जांदा नसीहत करांगा जेड़े लोग दुकानां ते मुलाजमत करदे हो फैक्ट्रियां च मुलाजमत करदे हो जेड़े गड्डियां दे ड्राइवर हो और जेड़े घरां च मुलाजमत करदे हो पुत्तर दो काम ना करिया जे जिंदगियां रुल जाणगियां। एक ते जिथे काम करदे हो उथे खियानत नहीं करनी दूजा मेरा बच्चा मुनाफकत नहीं करनी। वल्लाहु ला यहदिल खाइनीन चोरी करने वाले ठगी करने वाले खियानत करने वाले दे घर आंदे ने कदी इज्जत दी रोटी नहीं पक्की कदी उन्हां दी सिद्धी नहीं पई। बेटे जिथे जॉब करनी है जिथे मुलाजमत करनी है जिथे ड्यूटी करनी है खियानत नहीं करनी और दूसरी गल है मुनाफकत नहीं करनी। जिथे रहना है जिनी देर रहना है इज्जत दा भाईवाल बन के रहना है। तेनू अगर बॉस पसंद नहीं मालक पसंद नहीं बेटे दुकान चेंज कर ले मालक चेंज कर ले। लेकिन यह जी भैड़ी आदत पै गई है ना खाई भी जाना तो जड़ा वड़ी भी जानियाँ यह कई मजदूरों मुलाजमान और ड्राइवरों वल्ला बड़ी बुरी आदत है खियानत करनी झूठ बोलना और मुनाफकत करनी इज्जत खिलाफ गल्लां करनियाँ अपने मालक के बारे एवें झूठिया गल्लां पा पू के बेटा निरी बर्बादी ते तबाही है। इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल कवीयुल अमीन फरमाया सब नालो बेहतरीन मुलाजम मजदूर होए जेड़ा माशाल्लाह हिम्मत दे नाल काम भी करदा है ते आला दर्जे दा अमानतदार भी है। हड हराम ना होवे बेटा तेरी जॉब है तू 15,000 लैना 20,000 लैना हिम्मत नाल काम कर हड हरामी नाल नहीं बंदा कदी भी कामयाब होया। और मेरा बेटा अमानतदारी दे नाल काम कर। अब मैं तुहाडे अठां बाजारां च कई साथियों नूं जानना माशाला वह कारोबार भी करते ने ते नाले ने ना उन्होंने इंज ही समझ लो जिवें अपने ना दुकान की छत ते ना दरसगाह ही नहीं खोली। उलमा दे दरस भी होंदे ने नमाजा भी होंदिया ने क्लासा भी होंदिया ने और लोगो तुहाडियां बड़ियां जिम्मेदारियां ने तुहाडे कोल तौहीद दी दौलत है। ओए हकारत वाले ज़हन बदलीए मैं वड्डा ते तू छोटा इस चुंगल चो बाहर निकलिए ये फैसला कियामत वाले दिन ही होना है। छोटा दे सिर ते प्यार दे के मेरा पुत्र मेरा बेटा मेरे बेटियां वर्गा अमलन भी बेटियां वाला सलूक कर। मैं देखिया बड़े बड़े बेनमाज बड़े बड़े बिदती बड़े बड़े मुशरक बड़े बड़े गंदे घर के मुलाजम जो तौहीद परस्तां दे कोल आए ने अल्लाह तबारक वताला ने उन्होंने कीता तौहीद दा बादशाह बना दिता। अपनी जिम्मेदारी समझो। और मैं बरमला मसला कर देना चलो इस पासे गल टुर गई है तो मैं कंसैप्ट क्लीयर कर दिया। ऐसी जगह ते ऐसी मिल अंदर जॉब करना जायज़ नहीं जे जिथे मिल ऑनर जिस शिफ्ट के अंदर ताड़े ते पाबंदी है कि तुसी नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐ मैनूं शिकायत आई है जी साडे ते पाबंदी लाई गई है कि असी इस टाइम ते इत्थे खड़े रहना असी नमाज नहीं पढ़नी। बेटा ऐसी जगह ते जॉब जा किसी भी मसलक दे आलम नूं पुछ लै हराम है। अगर कोई चीनी गैर मुस्लिम ही उस मिल का मालक है ना फिर भी नहीं बैठे उथे जाब जिन्हें तेन रब का ही नहीं हक अदा कर दिता। मैं यत्ता किला यजाला हूं और एक दर बंद थे मैं कद उस बंदे नूं भुखा मर दिया नहीं मुलाजमत छी रिश्वत की मुलाजमत छी है तो जे टाइम सिर करना योजना छिलड़ा नूं मैं की करना। लो जी मैं अल्लाह पाक दे हुजूर दुआ करना जरा मोहब्बत नाल आमीन कहना इलाह लाल आमीन। जेडे साडे मातहत ने ना मजदूर तबका है मुलाजम तबका है ड्राइवर तबका है चौकीदार ने पहरेदार ने वगैरह वगैरह अल्लाह पाक सानू उन्हां ते ना वर्क करन दी तौफीक अता फरमा।
अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੌਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੇ ਕਈ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਕ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਦਬੇ ਪਾਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇ ਜੇ ਰਿਫਾਏ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਰਾਇਤ ਦਿਓ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਜ਼ੀਨ ਤਕਉ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਹੁਮ ਮੁਹਸਿਨੂਨ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਨੁਸਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਕਵੇ ਅਤੇ ਇਹਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰੱਕੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਕਿਮੁਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਸਖਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਲਣ ਦਿੰਦਾ ਆਓ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਪਾਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਬੇ ਹਮਦੇਹੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਬੇ ਹਮਦੇਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਹਮਦੇਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਾਰ ਬਰਕਤ ਜੇ ਇਸ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅਮਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸੁਨਤ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਆਂਦਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਹਮਦੇਹੀ ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁਸਸਲਾਮ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁਸਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਬੀਆ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁਸਸਲਾਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਬੀਆ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਹਦੀਸ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮੂਮਨ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਫਸਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਆਫਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈ ਰਬੀਆ ਮੰਗੇਗਾ
इन दुनिया मुनकातिया तुन जाएला ते दुनिया एक ना एक दिन खत्म ही हो जानी है जैल हो जानी है ते रोटी पानी ते तेनू लभदा ही पिया जेड़ा नसीबे दा तेनू लभना है क्यों ना होवे अल्लाह दे नबी कोलो आखरत दा खजाना ही मंग लईए। और बेटा मजदूरो ड्राइवरो दिहाड़ियां करने वाले हो जॉबां करने वाले हो तुसी मुजाहदां दे बराबर जे अल्लाह दे हां आखरत अपनी नजरां दे यह भी एक खादम ने ना जिन्हें फैसला दे मजदूर दे खादम ने ना पहरेदार दे चौकीदार दे ना उन्होंने पैगाम घल्या है कि बजाहर रुतबा छोटा भी हो सोच उची होनी चाहिए है फिक्रे आखरत वाली। हजरत रबिया कह लगे अल्लाह दे नबी सलाम जी इस तरह करो मेरी कल कियामत वाले दिन सिफारिश कर दिया जे एक तो मेरा अल्लाह मैनू जहन्नम अंदर जहन्नम तो बचा लवे ते दूसरा मेरा अल्लाह मैनू जन्नत अंदर तुहाडे कदमां अंदर जगा अता कर दे। रसूल पाक अलैहि सलातु सलाम ने इन्नी गल सुनी दी आपने फरमाया रबिया मैनू सच्ची गल दसी ऐ किन्ने तेनू आख्या कि मेरे कोलों आ शै मंगनी है। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला नूं कहण लगे अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम जी मैनूं किसे ने नहीं आखिया ते नबी अलैहि सलाम फिर खामोश हो गए। फसामत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवीला वावा देर नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे अल्लाह अल्लाह की वही का इंतजार करते रहे। हुण मैनू जवाब की दवा इनकार करनू दिल नहीं किया कि मैं ते नबिया दे नाल होना है मैं ते जन्नत दे अंदर बड़े बुलंदो बाला दर्जियां च होना है। वा रहमतुल्लिल आलमीन मैं तुहाडियां मुहब्बतां तो कुरबान जावां खादमा नाल भी किन्ना प्यार कर छड़िया जे नौकरां ते गुलामां नाल भी किन्ना प्यार कर छड़िया जे। हजरत रबिया फरमांदे ने फसामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवीला नबी सलाह तो सलाम वावा देर खामोश रह। फिर आपने फरमाया इन्नी फाइलुन ऐ मेरे रबिया ठीक है तू जिन जाखिया है मैं उंजी कर देंगा एक मैं कल कियामत वाले दिन तेरी सिफारिश कर देंगा ते दूसरा जन्नत अंदर मैं रब को तेनू साथ लै देंगा। लेकिन आपने फरमाया तू भी एक काम करना है अल्लाह दे नबी सलाम जी मैं की करना है आपने नहीं फरमाया कि मेरी बेटी दी कबर ते मजावर जाके बन के बह जा या फलां नबी दी कबर ते जाके चढ़ावा चाढ़ के आ जा या रसूल पाक ने सलाम ने फरमाया कि फलां शुहदाए बदर दे कब्रस्तान जाके कोई बकरा छतरा कोई नजर नियाद लेके टुट जा। रसूल पाक ने सलाम ने फरमाया तुसीं पता की काम करना रबी जी अल्लाह दे पैगंबर आपने फरमाया रबिया ज्यादा तो ज्यादा सजदे करना तेरा काम है सिफारिश करके ते जन्नत अंदर अपने कदमां च जगह लैके देना मैं नबी दा काम है। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीन तक़व वल्लज़ीन हुम मुहसिनून अपने मातहतां दे मामले अंदर एहसान वाले बन जाओ इन्हां नूं खैर खुशियां दीआं खबरां सुनाण वाले बन जाओ। हज़रते ज़िवकार हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल इब्ने सुवैद दी मुलाकात हुई है रबज़ा नामी जगह ते। हज़रत अबू ज़र ने भी बड़े सोहणे ते नवें कपड़े पाए ने इन्हां दे गुलाम ने भी बड़े सोहणे ते नवें कपड़े पाए ने ते इब्ने सुवैद मैं आख्या अबू ज़र आप भी नवी पोशाक पाई जे तो उही पोशाक अपने मुलाजम ते अपने गुलाम नूं पहनाई जे। हजरत अबू ज़र कहिंदे ने अबू इब्ने सुवैद मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तैनूं एक गल सुणाना एक मेरा गुलाम सी उहने कोई ज़ियादती कीती ते मैं उहनूं उहदी मां दा ताना दे दित्ता मां उहदी अजमी सी ते मैं उहदी मां दा उहनूं ताना दे के आख्या तूं अजमी मां दा पुत्तर है वाकई अजमी मां दा पुत्तर सी ना कोई गाली है हकीकत है लेकिन अंदाज़ ज़रा थोड़ा जिहा तानज़नी वाला हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र किहो जिहियां गल्लां करना है इंज लगदा है जे तेरे चो जाहलीयत दियां गल्लां नहीं गईयां जाहलीयत दा असर तेरे चो नहीं गया इस तरह दियां गल्लां नहीं करी दियां ए जिहड़े तुहाडे गुलाम ने जो खांदे हो इन्हां नूं खिलाया करो जो पहनदे हो इन्हां नूं पहनिया करो इन्हां नूं पहनाया करो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमांदे ने ओह दिन जाए ते अज दा दिन आए जो खाना वा गुलाम नूं खिलाना वा जो पहनना वा अपने गुलाम नूं पहनाना वा ऐवी सिहाबा दी सुन्नत है। चलो किसे खुशी दे मौके ते किसे खैर वाले मौके ते जिन्ना हो सकदा खैर वाला तामन करो इतना अल्लाह बरकत ही करता है रहमत ही करता है। एक सर नबी पाक दे सिहाबी हजरत अबू युसर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने भी ना नवी पोशाक पाई गुलाम ने भी नवी पोशाक पाई
ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਬਾਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਆਪ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਏ? ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਹਿਣਦੇ ਉਹ ਪਹਿਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਖਾਣਾ ਵਾਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਣਦਾ ਵਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯਸਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਵਾਰੇ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਏ, ਕੋਈ ਬੇਦੀਨ ਏ, ਕੋਈ ਬਦ ਲਿਹਾਜ਼ ਏ, ਖਾਇਨ ਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਨੇਕ ਏ ਤਾਂ ਇਹਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਾਇਬ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਜਨੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾ ਸੁਕਾਇਆ ਕਰ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਸੁਕਾਇਆ ਕਰ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਸੁਕਾਇਆ ਕਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਪਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਵੇਖੀ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਮਾਂ ਤਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਟਾਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਉਹ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਆਂਧੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਗਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਰੂਫ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਵਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਚੁਨਾਚੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਊਂਠ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਊਂਠ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ,
तेरी रजा वास्ते दिता है। अल्लाह पाक साढ़े घर जाण दे असबाब पैदा फरमा दे। वेख लो कारां दे अंदर बंद ने, अल्लाह दे सामने इस अमल का वसीला पेश किया है, माड़े का ख्याल किया, मुलाजम मजदूर का ख्याल किया, हक उन्हों वापस किया, ते कार दे मूँह चो पत्थर पिछे हट गया। अल्लाह पाक ने सलामती दे नाल घर अंदर पहुँचा दिता है। इस टाइम जी साडे मुल्क पाकिस्तान अंदर एक बहुत बड़ी नौसत है ना, वल्ला हिल अजीम उदा एक बहुत बड़ा सबब जुल्म, इल्ला माशाअल्लाह जेदा जिथे हथ पैंदा ना, ए तुसी देख लो ओदे दे नशे ने मस्त कर दिता है, पैसे की कसरत ने मस्त कर दिता है, शोहरत दे नशे ने घमंड अंदर मुबतला कर दिता है। हज़रते जी वकार सुनिए, जड़ी मैं कुराने पाक की ऐद पढ़ी है, नबी अलैहिस्सलाम ने किहड़े मौके ते पढ़ी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम दे कोल एक सहाबी आ गया रज़ी अल्लाह तआला, आके कहन लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी मेरे गुलाम ने हुण आके उन्हें शिकायत सुनियो, यो कज़बूना नी, मैनू आके झूठियां खबरां देंदे ने या मेरियां खबरां नू झूठांदे ने, मेरी गल नू झूठलांदे ने, गल्लां मैं ठीक करना लेकिन झूठला देंदे ने, वह यखून ऊना नहीं, अल्लाह के नबी ख्यानत भी करते ने, वह या सूना नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जी मेरी नाफरमानी भी करते ने, आखे भी नहीं लगते, तो अल्लाह के नबी मैं कदी कदी उन्होंने बुरा भला भी कहना, तो कदी कदी मैं सजा भी देना, तो दसो मेरा कल कियामत वाले दिन की मामला होएगा, वह वादी घाटी करते हैं तो मैं उन्होंने सजा भी देना। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया मेरे सियाबी कल कियामत वाले दिन उन्हां दी ज़ियादती दा ते तेरी सजा दा हिसाब किया जाएगा, जे मामला बराबर बराबर होया ते बराबर बराबर होएगा, ते जे तू बुरा ज्यादा आख्या सजा ज्यादा दिती है ते कल कियामत वाले दिन अल्लाह दी बारगाह अंदर तेनू कसास देना पैगा। हुण तुहानू मैं हदीस दे अल्फाज पढ़ के सुनाना, नबी अलैहिस्सलाम ने जदों इन्नी गल कही फजाला यबकी, सियाबी रोन लग पै ते बच्चियां दी तरह बिलक बिलक के रोन लग पै, ते नबी अलैहिस्सलाम ने फिर की आखिया, आपने फरमाया या रजुल अमा तकरा किताब अल्लाह, रोना कद लईए, अल्लाह ताला दा कुरान नहीं पढ़िया। अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया वना ज़ाउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैया वइन काना मिसक़ाला हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमांदे असीं इंसाफ दे तड़कड़े ला देंगे, राई दे दाने दे बराबर भी जे किसी ने वादी घाटी होई कीती होई ते ओ भी बंदे दे अगे रख देंगे। अगे बड़ा सख्त जुमला है वकफा बिना हासिबीन, अल्लाह फरमाते ने सानू हिसाब लेना बड़ा आउंदा है, जालमा नू पुछना सानू बड़ा आउंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान दी आयत बड़ी सियाबी और परेशान हो गया ते कहन लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी गवाह हो जाओ, मैं अपने काम काज आप ही कर लिया करांगा, अपने मामले आप ही कर लिया करांगा, अज तो बाद मैं इन्हां नूं अल्लाह दी रजा वास्ते आजाद कर दिता है। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ इधर वेखो ध्यान नाल, जियो और जीने दो, की मैं आख्या जियो, और जिस मुलाजम ते जिस ड्राइवर ते जिस शगिरद ते जिस मजदूर ते तुहाडा दिल मुतमइन नहीं, मेरे प्यारे भाईओ उनको माजरत करो, उनको बेटा ना साडा वक्त जाए कर ना अपना वक्त जाए कर, बेटा मैं गाली नहीं दे सकता, मैं जुल्म नहीं कर सकता, बेटा कोई और जगह तलाश कर ले। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों मार कुटाई करना, गंदियां गालियां देना, मेरे प्यारे भाइयों बरादरी दे ताने देना, आपने फरमाया हिसाब होएगा, ते जे तेरा मामला वध होएगा ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसास देना पैगा। हजरत ज़ीवकार अज मैं इन्ना ही पैगाम देना चाहना, अज जे अल्लाह ने शान दिता ना ते फिर सानू अपने अल्लाह दे सामने आजजी इख्तियार करनी चाहिदी है, उहदे माड़े मरेड़े बंदियां दे बारे सानू बहुत ज़्यादा रहम दिल होना चाहीदा है, है वो अपनी मर्जी वाला जो चाहे सो करदा।
अमीरी गरीबी केड़ी को बंदे दे हाथ अंदर है ओ अपनी मर्जी वाला जो चाहे सो करदा है ओ कल्ला बगैर शरीकों नाले सुल्तान अम सुटे ते पल विच करे वीराना ओए फकीरा ना समझा ते मिसकीना ताई ओ देवे तख्त शहाना ए मर्जियां रब्बुल आलमीन दियां ने ओए कईयां नूं रब इतना देवे मैं क्यों अज मजमून बयान कर रहा कईयां ने अपनियां मुलाजमां बच्चियां नूं इन्ना मारिया सिर दे वाली मुन दिते ने कईयां नूं मार मार के लहू लुहान कर दिता है अस्तगफिरुल्लाह लियाज बिल्ला ऐसे ऐसे जुलम दियां दास्ताना तेरे मुल्के पाकिस्तान अंदर मौजूद ने और कईयां नूं रब इतना देवे ओ बस बस करन जुबानो रब कुछ न दसदे जान जहानो अपना मुलाजम अपना मजदूर करिए एक सियाबी दौड़े दौड़े नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए कहन लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम मेरी एक लौंडी सी बकरियां चरांदी सी बकरियां चरांदियां चरांदियां एक बकरी भेड़िया खा गया रात नूं जदों वापस आई ते मैं हिसाब कीता ते एक बकरी घट सी अल्लाह दे नबी मैं थप्पड़ दे मारिया है रातां दी नींद उड़ गई है हुण थप्पड़ खावांगा किवें हालां गलती भी होई है कुताई भी होई है अल्लाह दे नबी गवाह हो जाओ मैं उन्हूं आजाद करना चाहना मैं रब दी बारगाह च थप्पड़ नहीं खा सकता और फैसला बादियो पाकिस्तान दी जिल्लत बर्दाश्त नहीं अल्लाह दी इज्जत दी कसम इस मस्जिद दी जिल्लत बर्दाश्त नहीं क्यामत वाले दिन दी जिल्लत किन्ने बर्दाश्त करनी है अल्लाह दे नबी गवाह हो जाओ मैं उन्हें आजाद कर दिता है आपने फरमाया ठहर जा जरा मेरे को बुला के लेके आ गई आपने फरमाया दस ऐन अल्लाह रब किथे वे बकरियां चलान वाली बीबी नूं भी पता है कि अल्लाह पाक अरशां ते वे ये बड़ा वड्डा शेखुल इस्लाम है बड़ा वड्डा मुतकल्लम है इस्लाम है ते माशाल्लाह बड़ा वड्डा मनादरे इस्लाम है इन्नियां डिग्रियां ते इन्नियां संदा लई फिरदा है इन्नू अजे इन्ना भी नहीं पता लगा कि रब किथे वे ओए अल्लाह दा इलम हर जगह ते वे अगों जरा मिलके बोलिया जे अल्लाह दा इलम हर जगह ते वे अल्लाह दी कुदरत हर जगह ते वे अल्लाह दी जात अर्श से मुस्तवी वे जिवें अल्लाह पाक दी शान दे लाएगे उन्हें आख्या फिस्सा मा ए नहीं आख्या हर जगह ते रब्बे अल्लाह आसमाना ते वे आपने फरमाया मैं कौन कहन लगी अंतर रसूलुल्लाह ए नहीं आख्या ता नूर मिन नूर अल्लाह ए नहीं आख्या तुसी मुश्किल कुछ आ जे ए नहीं आख्या तुसी बेटे दें दे जे ए नहीं आख्या तुसी डुबियां तार दे जे ए नहीं आख्या तुसी गौसे आजम जे फरमाया अल्लाह आसमाना ते वे ते तुसी अल्लाह दे रसूल जे आपने फरमाया की ईमान वाली ये नू आजाद कर दे जिस बंदे दा कीदा के अल्लाह दी ज़ादा आसमाना ते वे ते नबी पाक अल्लाह दे रसूल ने उस बंदे दे ईमान दी गवाही मेरे पैगंबर ने दिती है एक होर मैं वाकिया सुनाना नबी कुल कायनात अलैहि सलातु वसलाम दे सहाबी ने हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह तआला उन्होंने वेखिया अपने मजदूर नू ना अपने गुलाम नू ना कोड़े ना पै मार देने मेरे वेखियो इंज कोड़े मार रहे ने करीब तो नबी पाक गुजरे आपने वेख लिया हुण उस अरबी दा मैं तर्जमा किवें करां अल्फाज बड़े ने चलो कोशिश करना आपने वेख लिया ते आपने हौली जी आखिया अबू मसूद ध्यान ना कोड़े मार एक तेरे उत्ते भी हैगा बस मैं इन्ना कि पैगाम देना चाहना बीवी नू गाल कड़न तो पहले जुलम करन तो पहले किसी दी दिहाड़ी मारन तो पहले ज्यादती करन तो पहले किसी दे थप्पड़ मारन तो पहले वेखिए कि तेरे उत्ते भी है हजरत ने जदों इन्नी गल सुनी पहले तो बड़े गुस्से च सन गुस्से च बंदे नू नहीं समझ आउंदी थोड़ी देर तो बाद पता लगा है ते अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीब होए अपना कोड़ा इस तरह सुटिया ते रसूल पाक को ला गया ने अल्लाह दे नबी गवाह हो जाओ मैं उस गुलाम रब दी रजा दी खातर आजाद कर दिता है कि
किसे मजदूर किसे मुलाजम किसे मातहत ते तोहमत नहीं लाई दी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किसी ने अगर अपने मातहत ते उन्हें गंदियां करने वास्ते तोहमत लाई कल कियामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह अंदर नबी पाक ने फरमाया कसास देना पवेगा। तिना बंदियां दा फरमाया मुकदमा मैं लड़ांगा। एक ओ बंदा जिन्हें मजदूर रखिया ते जदों मजदूरी देने का टाइम आया ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहदे पैसे खा गया दिहाड़ी खा गया तनखा खा गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस मजलूम का मुकदमा मैं लड़ांगा। एक सहाबी आ गए लो वह सुनना एक सहाबी आ गया कहने लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम मेरा जिहड़ा मुलाजम है ना गुलाम बड़ा भैड़ा सलूक करता है बड़ी किसे वेले ना ज़्यादती करता है ते अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी दसो किन्नी क वारी माफ करिए। फसामता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। इत्थे एक मैं अकीदे की गल समझानी है तवज्जो मेरे वाल। जदों नबी पाक को पुछिया अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी ज़्यादती भी करता है तो दसो किन्नी वारी माफ करिए। अगे अल्लाह दे पैगंबर खामोश ने मिलके बोलो पैगंबर उन्नी देर तक मेरे पैगंबर बोलते ही नहीं जिन्नी देर तक अल्लाह पाक वही नाजल नहीं फरमाते। हज़रत रबिया ने भी आखिया ने आ मेरी ख्वाहिश है पैगंबर खामोश। मौलाना साहब बड़ा तुसी ना बहुत कुछ तुसी कर लिया छड़ दियो होना ना हुजरियां च बह के मसले करने छड़ दियो कच्ची पक्की रोटी छड़ दियो लोगों ना ए वही सुनाया करो लोगों ना कुरान सुनाया करो लोगों ना सही हदीसा सुनाया करो फलाना धोबी तो फलाना फलाना छड़ दियो किसे कहानियां। इमामुल मासूमीन मासूमों दे इमाम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूरी कायनात दी दनाई चुक के अकल चुक के पैगंबर सलाम दे जूते तो कुर्बान कर दिया वो मेरे पैगंबर बगैर वही तो मसला नहीं दस दे ते तेरा ख्याल किवें दीन बन सकता है तेरा ख्याल किवें मसला ते फतवा बन सकता है। खैर नबी सलाम खामोश हो गया। थोड़ी देर तो बाद नबी सलाम ने फरमाया ये बड़ा वड्डा फर्क है कि तू मालिक है तो मुलाजम है इहदी जगह ते तू मुलाजम हो सकता है ते ओ तेरा बड़ा वड्डा तेरे ते इनाम है जिड्डा वड्डा इनाम है ना तेरा कलेजा भी ओना। लो सौ गल्लां दी एक गल समझ लो ओ जिन्ना रुतबा वड्डा ना बंदे दा सिर्फ भी ओना ही वड्डा होना चाहिए। आपने फरमाया खामोश रह कितनी बारी माफ करना। आपने फरमाया तेरे काम काज करने वाला तेरे नखरे चलने वाला दिहाड़ी जे 70 बारी भी गलती करे ते नबी पाक ने फरमाया 70 बारी भी माफ कर दे। वनदउ अल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया वइन काना मिसक़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। अज दे सारे खुतबे दा खुलासा पता की है वो जेड़े माड़े ने ना उन्हां ते अपना रंग चाड़ो अपने अकीदे का रंग चाड़ो अपने अखलाक का रंग चाड़ो। और कई ड्राइवर बड़े मुत्तकी होंदे ने कई मुलाजम बड़े मुत्तकी होंदे ने गुस्सा ना करियो मैं कुरान हाथ च पढ़ के सीधी गल कर लगा। मैं कई मजदूर वेखे मुलाजम देखे ड्राइवर देखे अगर मैं किरदार चेक करा ते जेड़ा मालक है ना उस मजदूर दे पैरां च जेड़ी जुत्ती है ना उहदी टुट्टी जुत्ती का भी मुकाबला नहीं करता। उची बोले हो मर्जियां रब दियां ने फिर बोलो मर्जियां। तू सूद दे नशे च मस्त है ये तकसीमां मेरे रब दियां ने केड़ियां
लो फिर हुण गल मुका दईए। कई साथियों ने इसरार किया ओए कई विच बड़ा पे जवान दिसन, ओए कई विच बड़ा पे जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, ओए कई विच बड़ा पे जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, किते चिंगची जोगे पैसे नहीं, कई चाड़ जहाजी उड़े ने, कई हुक्म चलांदे फिर दे ने, कई खांदे फिर दे ठुड़े ने, किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं, कई देंदे फिर दे छटे ने। वाह मालिका तू अपनी कुदरत दे, क्या सोने नक्शे कटे ने, है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ते कुछ खटे ने, हथ लाया मैले हुंदे कई, कई हुंदे तवे तो भी काले ने, कई मारे हुए नसीबां दे। मैं वेख्या माशाल्लाह बड़ा सिद्धा सारा कुछ ही है, तकसीमा मेहर रब दियां ने, और कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मा वाले ने, किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं, ते कईयां दुद्दी कुत्ते पाले ने, कईयां नवे ले गल पाले ने, कईयां ला पुराने सुटे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे, क्या सोने नक्शे कटे ने, है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ते कुछ खटे ने। ये अल्लाह दियां तकसीमां ने। इलम बहुत है बेटा, इलम बहुत है, जहीन बहुत है मेरे भाई, पैसा ज्यादा है, जवानी है ओदा है, उना चुक जा, उना लिफ जा, रंग चाड़ अपना, अपने ड्राइवर ते अकीदे दा रंग, अखलाक दा रंग, किरदार दा रंग। एक बंदा साल तेरे को रहा है, दो साल तेरे को रहा है, जी वो तेरी अखलाक वाली जुबान नहीं ना समझ सकिया, फिर तेरे ते भी एक सवालिया निशान है। ये आपस लड़न झगड़न का वक्त नहीं रह गया, बड़े हसास मोड़ ते तुसी खड़े हो। तुहाडे जो जेड़े भाई रुतबे वाले ने, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जज्बा एहसास पैदा करो। जेड़े भाई मुलाजमत करते ने, मजदूरिया दिहाड़ियां करते ने, बेटा खयानत नहीं करनी, नमक प्याज से गुजारा कर, खयानत नहीं, और बेटा मुनाफकत नहीं करनी, जिद को काम करना उसकी बेड़ी च वट्टे नहीं पाने, नमक हरामी नहीं करनी, कभी नमक हरामा भी सुकून मिले, जिस बॉस को रहना, जिस मालक को रहना, रह तो इंसान ना हर, नहीं तो छुट्टी कर, उसके लिए मुलाजम बने तो तेरे लिए दुकाना बढ़िया। खयानत ने सत्यानाश कर दिता, मुनाफकत ने सत्यानाश कर दिता, ते दूजे पासे जुल्म ने बेड़ा गर्क कर दिता। अठां बाजारां दी कैफियत वेख लो, गुस्सा ना करियो हाजी साहब, मालक अपने दाते वे ते मुलाजम खैर खाई ते नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं कित्थे टुर गई मुसलमानी। हकीकत करो, ऐसिया ऐसिया वारदातां कई मुलाजम करते ने, आ दुकाना वाले, फैक्ट्रिया ते ड्राइवर, अल्लाह जानदा शर्म दे मारे गर्दन चुकन दी फेरेगा। और दिन कौन फेर जी, बोलो मुल कौन, इखलास से बड़ी ताकत थी, पटरियों ना ले जाई, पटरियों ना ले जाई। इन्हों ते ना तीन साल च एक ही गल समझ आई, आखिरी जो गल सुन अल्लाह ताला
किसे दा हक नहीं, अल्लाह ताला किसे दा हक नहीं रखता। उची बोलो, अल्लाह ताला किसे दा हक नहीं रखता। लगा रहे, लगा रहे, तकवे दे ट्रैक ते चलता रहे, इखलास दे ट्रैक ते चलता रहे, दयानतदारी दे ट्रैक ते चलता रहे। अब बेटा मोहब्बत दा ड्रम बन जा, तेरी सच्ची मोहब्बत दा मुल पेगा। अब बेटा तेरी हया दा मुल पेगा, बेटा तेरी दयानतदारी दा मुल पेगा। रब मुल पांदा है और दुनिया ते भी पांदा है, लेकिन साडा बेड़ा गर्क कर दिता है। साडियां कालियां ने, साडियां खियानतां ने, साडे जुल्म ने, साडियां लालचां ने, वरना दीन इस्लाम ते बड़ी इज्जत ते बड़े शर्फ ते बड़े मुकाम वाला दीन है। अल्लाह पाक दे हुजूर मैं दुआ करना, अल्लाह सोहणिया सानू अपने मां तहतां दा ख्याल रखण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू इन्हां तक सोहणा अकीदा, मिल के बोलो अल्लाह सोहणा अकीदा पहुँचाण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सोहणे अखलाक अल्लाह पाक पहुँचाण दी तौफीक अता फरमा। भाजी मैं कई वेखे मुलाजमत करन गए ने, उन्होंने इहो जिहा हथ फेरिया, इहो जिहा प्यार कीता। उस जिहड़ा मुलाजमत करन गया सी ना, उन्हें सारे पुत हाफज बना लिया ने, ते सारे पुत आलमे दीन बना लिया। जिन्हां दे सत्तां पुश्तां च कोई आलम नहीं सी, कोई इज्जत नहीं है। जे तेनूं अल्लाह ने पैसा दी ते मत्थे ते वट पा के बैठा रहना, किसे मुलाजम ने कदी तू इंसाना सलाम ही नहीं लिया। तेनूं पता दफ्तर च अगर तू दो मिनट बिठा के कोई नाल चाय पिला के धोई दी गल कर दे, ते उहदा सीना किन्ना चौड़ा हुंदा है। मत्थे ते वट लाओ, यह वट नहीं जे कम आने, किसी ने चज ना जनाजा भी नहीं जे पढ़ना। बड़े बड़े वट्टां वाले टुर गए। पैसा रब की अमानत ही, दौलत रब की अमानत ही, फैक्ट्री रब की अमानत ही, इलम रब की अमानत ही, खिताबत रब की अमानत ही। जो कुछ लिखे है विच नसीब साढ़े, ओही तू लैना ओही मैं लैना, मेरिया तेरिया आकड़ा किस कारे, तू ही टै पैना तो मैं भी टै पैना, सदा आया तो बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरे की सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना। इको यारी कले रब वाली, बाकी यारियाँ सब खुआरियाँ ने, ते जिन्हें रब दियाँ यारियाँ छड़ दित्तियाँ उन्हें जितियाँ बाजियाँ भी। लो जी माशाला, जिनी मोहब्बत ना तुसी आए हो ना, साथी माशाला बाहर खड़े ने, आओ मस्जिद तो बाहर अगे माशाला साथी खड़े ने, तुहाडे सारे लई मैं एक दुआ करना। अल्लाह माशाला तुहानू भी मेरे मगर आउण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुहानू बैतुल्लाह दीआं फेरियां नसीब फरमाए। अल्लाह तुहानू उमरे नसीब फरमाए। ध्यान ना मैनूं कहो कि सची मुझे टुर ना जाओ। अल्लाह पाक तुहानू जम जम पिलाए, रज रज पिलाए, ते काबतुल्लाह दे सारे पिलाए। अल्लाह पाक तुहानू सोहणे नबी दे सोहणे शहर दी सोहणी मस्जिद नबवी, अल्लाह उत्थों दीआं नमाज़ां नसीब फरमाए। और अल्लाह पाक सानू इस तरह जन्नत जमा फरमा दे। किसे शगिरद, किसे मुलाजम, किसे मजदूर और किसे चौकीदार, किसे पहरेदार, किसे मातहत दे बारे अल्लाह साडी जबान चो कोई वादा काटा हो गया, असी इंसान हाँ, असी इकरार करने, अल्लाह सानू मुआफ फरमा दे। बहम एक दूसरे के हकूक अदा करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। ते जेड़े बाज बच्चियां ने मैनू लाहौरों टैलीफोन किया ना इस्लामाबादों, कि उन्होंने सारी जिंदगी बददियानती नहीं हाजी साहब की, अपने बॉस ने मुनाफकत नहीं की, वो जड़िया फैक्ट्रिया काम करते सन अल्लाह के करने ने ना, वो मालक फौत हो गया, अल्लाह पाक ने उन्होंने दयानतदार मुलाजमान मजदूरों उन्होंने फैक्ट्रिया का मालक बना दिता है। हर बंदे दे सीने च दिल धड़कदा है जिद च प्यार आता है, तो पुत्र हड हरामी करने वाले प्यार नहीं आता। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।